अगली खबर जयपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर प्रदेश में नवसृजित जिलों के शुभ आरंभ के लिए जयपुर में एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर कांग्रेस विधायक पहुंचे। बताते चले कि चाकसू विधायक वेद प्रकाश को वहां पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली, जिसको लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। ये तो संबंधित अधिकारी बता पाएंगे कि सरकार के नुमाइंदे को थे नहीं, पुलिस के अधिकारी कुछ लोग थे वहाँ पे मंच के वहाँ पीछे, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी। कोई एडिशनल एसपी भी थे, कोई दूसरे भी थे, कौन राजनीतिक सिंह भी थे। उनको बताया भाई जहाँ भी जनप्रतिनिधियों की सीट है मंच पे तो मंच पे, नीचे है तो नीचे, जहाँ भी व्यवस्था है वहाँ पे बिठाना चाहिए उनको। उन्होंने कहा कि भाई कोई हमारे व्यक्ति जा रहे हैं वो आपको बिठा के आएंगे, वहाँ से कोई लोग आके बोल देंगे। लेकिन वहां से उन्होंने कोई साथ में कोई व्यक्ति भेजा नहीं है, कहाँ पे सीट पे उनको बिठाना था, कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट किया था वो तो बहुत बता पाएंगे। लेकिन इतने अच्छे खासे माहौल के अंदर, जहाँ इतना ऐतिहासिक फैसला है, 50-50 जिले बन रहे हैं, हमारा ग्रामीण जिला बना है, जहाँ पे इतनी खुशी का माहौल है, इस तरह के तो कुछ अधिकारी इस तरह की बातें करते हैं जिससे सरकार में हमारी छवि का विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज भाई मैं बोलना पड़ रहा है तो इसमें अच्छा प्रभाव थोड़ी जाता है। अच्छे कामों के लिए जो मुख्यमंत्री जी अच्छे काम करे जा रहे हैं, उसमें पानी डाले जा रहे हैं, ये तो वो तय करेंगे। मैं आपके सामने वहाँ गया था, मंच के ऊपर गया था, मंच पे जाने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मंच पे जाना नहीं जाना वो सरकार का, सारे विधायकों की वहीं व्यवस्था। लेकिन मंच के अलावा भी बैठने की जगह हो सकती है जनप्रतिनिधियों की, जहाँ भी उनको जगह चाहिए थी वहाँ बैठाना चाहिए।